भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, सुभाष सिमरिया, सांसद राम सिंह साहब, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी, पूर्व मंत्री सावर जी, विधायक अभिषेक मटोरिया जी, सांसद बिहारचंद जी, विधायक रणवीर जी, पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, बहादुर सिंह जी गोदारा, चुनाव प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र जी तावर, अभी अभी हमारे साथ जुड़ी श्रीमती कांता पूनिया, जिलाध्यक्ष कांचीराम जी गोदारा और सब कार्यकर्ता नेतागण। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस आखिरी सभा में आप लोग सबसे मुलाकात करने का ये मुझे मौका मिला। आज दिन भर इंद्रदेव ने बारिश हम लोगों के ऊपर करके और इतना अच्छा माहौल और मौसम बनाया, सब दूर लोगों ने घूम घूम कर मौसम को देखकर उन्होंने भी मस्ती की, हमने भी मस्ती की और सबने बहुत मौज मस्ती करके आज यहाँ शाम तक आप तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आप तक पहुंचते पहुंचते। बस दो चार चीज आप लोगों के सामने रखने के लिए आई हूँ। ये यात्रा के बहुत दिन हो गए, अब ढाई महीने होने को आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सात संभाग को छोड़ के ये पांचवें संभाग के ऊपर हम लोगों ने काम चालू किया है। कई दिनों से आप लोगों के बीच में घूमना हो रहा है और आपके क्षेत्र की मुझे समस्याएं उभर उभर के आ रही हैं, तो पहले तो अपने समस्या अपने क्षेत्र की समस्या पर अपन चलेंगे। सबसे पहले मुझे चारों संभागों के अंदर और अब यहाँ भी पानी की घोर समस्या मिली, जो मुझे मालूम है कि आपके इस भादरा के अंदर भी है कि नहीं। पीने के पानी की सब दूर, एक भी ऐसा कस्बा नहीं, एक भी ऐसा गांव मुझे नहीं मिला जहां लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ हमारा इंतजाम हो गया है और हमको पानी आराम से यहाँ मिल रहा है, एक भी आज दिन तक मुझे नहीं मिला। इसी तरीके से मैंने देखा कि आपके आजू बाजू के गांव की भी हालत बहुत खराब है, खासकर जो आपका असिंचित क्षेत्र है वह 30 या 40 पंचायत आज पेयजल के लिए तरस रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। सरकार के बाद बार बार रुक रहे हैं, उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है परंतु पानी का कोई इंतजाम नहीं है और लोगों को हजार हजार रुपए का टैंकर खरीदना पड़ रहा है, जो आज मैं समझती हूँ कि ऐसे स्थिति में नामुमकिन है। इतने सालों बाद अगर हम अपनी मूलभूत समस्या गांव के लोगों को और आप लोग तक नहीं पहुंचा सकते तो ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। मैं मानती हूँ और अभी मैं देख रही हूँ बिजली की समस्या के बारे में, पानी की समस्या के बारे में थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं देखो पता किया तो मेरे को बताया कि 2011-12 के अंदर, अरे आप पुलिस वाले बैठ जाओ ना, क्या है अरे यार पुलिस वालों को सुन नहीं रहा क्या, चलो जल्दी कह दो। आप भी बैठ जाओ या तो बैठ जाओ। बैठ जाओ या जाओ वहां। आपको गिना के बता दूं, 2011-12 के अंदर 330 करोड़ रुपया सरकार के पास आया था सिर्फ पानी के लिए और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर से 24 करोड़ रुपया तो इस्तेमाल किया गया पानी के लिए और 306 करोड़ रुपया इस सरकार ने वापस कर दिया। इसी तरीके से 12-13 के अंदर 600 करोड़ रुपया आया, उसमें से 29 करोड़ रुपया भाइयों लोगों ने इस्तेमाल किया और उसमें से करीबन 580 करोड़ रुपया वापस चला गया। ये 2013-14 के अंदर 1300 करोड़ रुपया आया, कितना कितना आया 1300 करोड़।
उसमें से 56 करोड़ इस्तेमाल किया गया और 1244 करोड़ वापस जाएगा। करीबन 2000 करोड़ 3 साल के अंदर आया और वापस चला गया। अगर वो इस्तेमाल हुआ होता आपके पानी के लिए तो पानी और स्वच्छ पानी और साफ पानी आप तक पहुंच जाता आज तक, जो सरकार ने आप लोगों तक पहुंचाया नहीं। जहां जहां मैं गई हूं वहां फ्लोराइड का पानी या वह दूषित पानी या वह ऐसा पानी जो आदमी पी न सके, जानवर पी न सके, ऐसी पानी का इंतजाम है। और अगर पानी है तो वो गांव के अंदर पहुंच नहीं रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये तो एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। उसके साथ साथ बिजली आपके क्षेत्र के अंदर आपको किसानों को जो वादा किया गया था 8 घंटे बिजली आपको मिल रही है क्या? किसानों को मिल रही है क्या? किसानों को नहीं मिल रही है। और माता रहने आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए राजस्थान के इतिहास में पहली दफा घरेलू बिजली के लिए अलग सी लाइन लेके हमने एक बिजली की लाइन आप तक पहुंचाने का काम किया था। उसमें जब तक मैं छोड़ के गई थी 18 से 20 घंटा बिजली आप तक पहुंच रही थी। अगर रुक जाती है सरकार रह जाती तो 24 घंटे बिजली मिलती। और मैं अभी आपको वादा करके जा रही हूं कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो 24 घंटे बिजली घरेलू आप लोगों को घर के अंदर मिलेगी। यह मुश्किल काम नहीं था। 2008 के अंदर 8000 करोड़ खर्च करके हमने पूरे बिजली का तंत्र ठीक किया था। उसमें 7 बिजली घर 5 जिसमें से 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती और यह बिजली आप लोगों तक पहुंचती। और हमने कोशिश ये की थी कि हम उस बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएं और आप लोगों को किसानों को अलग बिजली मिले तो महिलाओं को भी अलग बिजली मिले ताकि उनके घर में ठंडक हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले और साथ में जो हमारे किसान के माने खेत छोड़ के वापस जाएंगे, व्यापारी जाएंगे तो उनको ठंडक घर के अंदर मिले। ये सोच के मैंने उनको अलग सी लाइन दी थी। परंतु मैंने देखा कि सरकार हमारी जाते ही वो 18-20 घंटे बिजली आज मुश्किल से 8 घंटे बिजली या 9 घंटे बिजली और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और किसानों की बिजली 3 घंटे और मुश्किल से 4 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और अगर हमारा जो ये ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वो ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के वापस आता नहीं है और महीना लग जाते हैं उसके पहले नहीं आता है। आज ये है व्यवस्था। एक VCR नाम की चीज है। जब हम लोगों को पैसे बनाने की जरूरत होती है तो सीधे सीधे बिल में कोई नहीं लिखता। 2000 का बिल 20000 का बन जाता है, 2 लाख का बन जाता है, 4 लाख का बन जाता है। और किसान को बिजली में करंट नहीं आता है परंतु उसके बिल में जरूर करंट आ जाता है। मैंने सब लोगों को कहकर रखा है कि जो लोग इस तरीके का काम करेंगे उनको दंडित किया जाएगा और जिन जिन गरीबों से इस तरीके से पैसे लूटे गए हैं वो पैसे वापस करने का काम हम लोग करेंगे। इनको इस तरीके से आसानी से छोड़ने वाले नहीं। ये बिजली आप लोगों तक 53 साल के बाद अगर नहीं पहुंची बिजली और पानी तो मुझे बताओ भाइयों क्या हो रहा है। 4.5 साल निकल गए, 4.5 साल में कुंभकर्ण की नींद लेते करके ये कांग्रेस सरकार अब जागी। उन्होंने सोचा कि 4.5 साल हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अभी सड़कों पर से जो मैं होके आ रही हूँ सड़क उसका नाम ही नहीं दे सकती। जगह जगह पे गड्ढे, पूरी सड़क उखड़ी हुई। जहां जहां मैं गई हूँ और ये चारों सप्ताह के अंदर जहां मैं गई हूँ वह सब दूर मेरे को सड़क की हालत नहीं की। आप लोगों ने हमारे मेगा हाईवे के ऊपर सफर किया होगा, कोई गया होगा हनुमानगढ़ किशनगढ़ से हनुमानगढ़ तक, कोई गया होगा सरदार शहर वाले उस पर। और कभी भी अगर आप लोग उस पर चले होंगे तो आपने देखा होगा कि 5 साल बाद भी वो मेगा हाईवे आज भी चल रहे हैं। तो अगर 5 साल बाद कर सकते हैं तो या तो मैं ये देख रही हूँ कि आगे आगे तो सड़क बन रही है और पीछे पीछे से वो उखड़ती चली आ रही है। ये तो कई दफा मेरे को देखने को मिला है कि जगह जगह से और गांव गांव में पूछे तो सब लोग यही कहते हैं कि हमारी सड़कें जो जोड़ने की सड़कें थी वो सड़क नाम की चीज ही नहीं। आज तो ये स्थिति हो गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके स्कूल की क्या स्थिति है। मैंने पता किया यहाँ कि यहाँ आपके स्कूल में क्या हो रहा है तो डॉक्टरों का तो मालूम पड़ गया। और यहाँ सरकारी स्कूल में इतनी जोरदार अव्यवस्था है और अध्यापकों की जोरदार कमी है कि विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है।
करीबन 80-82 बच रहे हैं उसमें, और अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है तो वहां जाके हम करेंगे तो करेंगे क्या। हमें बताना चाहूंगी आपको, जब हमारी सरकार थी 2004 से 2008 तक हम लोग 33,000 स्कूल ज्यादा स्कूल खोले थे। 2009-2012 जो इनकी सरकार का टाइम था, इन्होंने केवल 2,100 स्कूल खोले और लगभग एक भी कन्या विद्यालय नहीं खोला, एक भी कन्या विद्यालय नहीं। राजस्थान के अंदर कुल 129 कॉलेज, इसमें 15 अलग से 9 कॉलेज खोले गए, ये पूरे 7 साल के अंदर। जनता पार्टी के 2.5 साल के अंदर, बीजेपी के 7.5 साल के अंदर और बीजेपी के 5 साल के अंदर 15 वर्ष में 75 कॉलेज खोले गए, और इनके 51 वर्ष में 54 कॉलेज खोले गए। इसका मतलब एक कॉलेज पर साल, क्या रिकॉर्ड है। 53-54 साल हमने दिए और एक एक साल में एक एक कॉलेज खोला। वाह रे वाह कांग्रेस, तुम्हारे ऊपर तो हम पूरे प्रदेश को क्या देश को छोड़ सकते हैं। पीजी कॉलेज 1947 से लेकर 1977 तक इस सरकार ने 10 खोले हैं, कितने 10, और हम लोगों ने अपने टाइम में सब मिला के 48 कॉलेज खोले। कन्या महाविद्यालय कुल 37, उनमें से बीजेपी ने 31 खोले, मैंने अपने पूरे राज्य में 6 कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय इस कांग्रेस सरकार को जाता है। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन्हें इतना कितना काम अपने टाइम में किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि राजस्थान का विकास दर आज बिहार से कम हो गया है। अब सब लोग जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति हुआ करती थी। आज बिहार का विकास दर 16% और राजस्थान का विकास दर सिर्फ 5%। सोचो कि हमारे और उसके बीच में कितना फर्क हो गया है, और राजस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो कितना मेकअप करने की जरूरत होगी, यह भी अपने सोच लेना। इसी तरीके से रोजगार का काम, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 5 साल निकले, उस 5 साल के अंदर बीमारू प्रदेश आपने हमको बताया, तो बीमारू प्रदेश को अग्रणी प्रदेश के पहली पंक्ति पर लाके हम लोगों ने खड़ा कर दिया। मेहनत करके बिजली का पानी का सब चीजों को ठीक करके और राजस्थान को पहली पंक्ति पर लाने की कोशिश करे, अग्रणी जो भी हमारे प्रदेश थे उनमें लाने का काम हमने पहले कर दिया। आज राजस्थान फिर गड्ढे में जाके पड़ा है, और जो रोजगार हमने अपने 5 साल के अंदर 10 लाख तक पहुंचाया था सरकारी और गैर सरकारी, आज 10,000 मैं समझती हूँ मुश्किल से अगर हुआ होगा तो मेरे को आज तक मिला नहीं है। परंतु मैं मान नहीं सकती कि सरकार 4.5 साल तक काम करे और किसी को नौकरी न दे पाए, तो इससे कुछ न कुछ तो किया होगा। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाखों की संख्या में क्यों नहीं पहुंचाया इस 4.5 साल के अंदर, यह प्रश्न कांग्रेस को जवाब देना ही चाहिए। मैं हैरान हूं देखते हुए आज गुजरात की सरकार माने नरेंद्र मोदी की सरकार 15 साल पुरानी है, उस 15 साल में गुजरात कहां से कहां पहुंच गया, देश के ही नहीं विदेश में उनके मानचित्र पे पहुंच गया गुजरात। लोग गुजरात का नाम विलास में बाहर भी लेते हैं। इधर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश 10 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया है, और हमको मिले 53 साल, क्योंकि मैं अपने 5 साल को हटा देती हूँ। उस 5 साल के अंदर हम लोगों ने मेहनत की और आपने देखा कि 5 साल के अंदर भी हमको समय मिला, उसमें हमने काम किया। अब 7.5 साल भैरव सिंह जी को मिले, उनका भी अलग समय निकाल दीजिए, तो 53 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंचे आप देख लीजिए। गुजरात के 15 साल, उनके 10 साल और इनके 53 साल में हम गुजरात को आखिरी पंक्ति पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज ये हमारे राजस्थान की स्थिति। क्या हम लोग सब बैठे हुए हैं, हमने सबने कोई ना कोई ने एक सपना देखा है, हम सब ने ये सोचा है कि हमारे सरकार को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे राजस्थान को हमें आगे बढ़ाना है। एक समय था जब हमारा इतिहास सब लोग पढ़ते थे और उस इतिहास को से प्रेरित होकर लोग राजस्थान को आते थे और राजस्थान की इस मिट्टी को छूना चाहते थे, अपने माथे पर लगाते थे और राजस्थान का गुणगान गाते थे। आज राजस्थान में आते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि राजस्थान के बारे में पूछेंगे तो पहला आदमी बोलेगा कि सबसे ज्यादा चेन खिंचती है राजस्थान के जयपुर में, लोगों का महिला का अत्याचार होता है वो जयपुर में, एससी और एससी का अत्याचार होता है वो राजस्थान में। ये राजस्थान का नाम कहां, राजस्थान का नाम था और आज कहां राजस्थान का नाम हो गया।
जो लोग हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो लोग हमारी माता और बहनों की इज्जत को बचा नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। आज मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि हमारा समय कम होता जा रहा है, ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सब लोग मिलकर करते हैं। आज अगर आप मेरी तरफ देखो और मुझे कहो कि भाई आप चलाओ इसको काम करो, मैं सबसे पहले कहूंगी कि जादू मेरे हाथ का नहीं है, जादू आपके हाथ का है। आपने अपनी ताकत नहीं पहचानी है, इसलिए राजस्थान आज गड्ढे में है। अपनी ताकत को पहचानो और समझो कि ये एक बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर जात की लड़ाई नहीं होगी, इसके अंदर मजहब की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इसी के ऊपर कांग्रेस आज दिन तक जिंदा है। आप मेरे को बताओ, यहाँ लड़के हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब रोजगार चाहते हैं। कितना मजा है कि मैंने तो बीएड वालों को कह दिया भैया तुमको टेट का एग्जाम करना है, वहां उनको फंसा के रख दिया, अब वो टेट में लगे हुए हैं। यहाँ मैंने कह दिया कि दसवीं वाले बच्चे वो अपने उसमें लग जाओ, और वहां मैंने कोर्ट में जाके उनको फंसा दिया। तो ये कोर्ट में फंसे, ये बीएड के टेट में फंसे, और मैं आराम से कुंभकर्ण की नींद बीच में लेके कहूं कि मेरे को तो अब किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इस तरीके से मैंने राजस्थान को 55 साल चलाया, झगड़ा कराया एक जाति की दूसरी जाति के साथ, एक मदद की दूसरे मदद के साथ, और अब चुनाव आ रहे हैं, आप देख लीजिए ये फिर करने की कोशिश होगी, क्योंकि इसी पे हमने 55 साल निकाले हैं, इसी पे राजस्थान को हमने काबू में रखा है, क्योंकि राजस्थान के लोग होनहार, स्वाभिमानी और इज्जतदार है। आज उनको इस तरीके से दबा के रखने का काम जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि कोई भी इज्जतदार और स्वाभिमानी आदमी इसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हमको अपने बच्चों का सोचना है, अब हमें हमारे भविष्य का सोचना है, अब इसके साथ हमको राजस्थान के भविष्य को सोचना है, और अगर राजस्थान के भविष्य को सोचना है तो इसमें हम अलग नहीं हो सकते। हमको सबको एक परिवार के रूप में, एक धागे में बंधकर, एक आवाज से आगे चलना है, तब राजस्थान का विकास और तब राजस्थान का भविष्य कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कितना भी कोशिश कर ले। ये ताकत आप लोगों में है, इस ताकत को इस्तेमाल करना है भाइयों बहनों। और मैं तो आप लोगों को कह सकती हूँ कि आपके शरण में आके कई सालों से जो मुझे प्यार मिला है, जो मुझे आशीर्वाद मिला है, हम तो उसी के भूखे हैं और उसी के लिए आपके बीच में भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। मैंने कभी भी चुनाव की वजह से ऐसे वादे नहीं किए जिन वादों के पीछे फिर मेरे को मुकरना पड़े। जो भी मेरे को कहता है मैं उसमें कहती हूँ कि भाई अपन कोशिश करेंगे, इस कोशिश में हम कामयाब हो सकते हैं, मैं वादा आपको नहीं कर सकती, और जब तक मैं पूरी तरह से ये नहीं जानती हूँ कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तब तक मैं वादे नहीं दे सकती। यहाँ मैंने देखा कि घोषणा पत्र समझो कि कितनी सुंदर सुंदर वादे हुए हैं, वादा करना कितना आसान है, क्योंकि हम इन्हीं वादों के ऊपर इतने साल से जिंदा है, 55 साल में हम करते ही रहे। तो इस बार भी जब हमने चुनाव लड़ा 2008 के अंदर, तो हम कांग्रेस वासियों ने, कांग्रेस वालों ने जैसे हमेशा करते हैं वैसे आपको वादे पिलाए। बताओ मेरे को ये कितने वादे पूरे हुए हैं। सबसे पहला वादा है बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा, नहीं बढ़े ना बिजली की दर, 7 बार बढ़े हैं इन 5-4.5 साल के अंदर। और दूसरा 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा, मिल गई आप लोगों को सबको। किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिल गई, किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग इनके लोगों को वेस्ट लैंड आवंटन करने का घोषणा हुई। क्या वेस्ट लैंड आपको मिली, किसी को जमीन मिली, किसी को नहीं मिली, मुझे मालूम है। हाँ भीलवाड़ा में जब मैं गई थी तो मेरे को किसी ने ये बताया था कि ये कैंप चल रहे हैं क्या गांव की ओर और शहर की ओर, उसमें से 38 पंचायत में से 11 पंचायत के रात में, मैंने 12 बजे से रात के 4 बजे तक सुबह पट्टे एक दूसरे को दिलवाए गए हैं। अब आप समझ सकते हो कि कैसे पट्टे दिलवाए गए वहां, तब मेरे को मालूम पड़ता 12 बजे रात से 4 बजे सुबह तक क्या काम कर रहे हैं आप लोग, तो बताएं मेरे को कैसे पट्टे हो रहे हैं और सबके सामने क्यों नहीं हो सकते। बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को हम पूरे तरह से पुनर्जीवित करेंगे, कोई भी नहीं हुआ। 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, मिल गई होगी युवाओं को सबको। पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में हम छूट दे देंगे।
जमा होने पर 30 दिन में बिजली कनेक्शन मिल गई। 30 दिन में क्षेत्रों में डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सिंग और सब रिक्त पद, इन सब नियुक्तियों को हम भर देंगे। बतिया हाँ जी, ये वादा है जी, योजना पत्र का वादा है। और जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना करेंगे। ओबे, यहाँ हॉस्टल में लगा कोई? अब ये तो कुछ ही घोषणाएं हैं, मैं पूरी पढ़ने की टाइम नहीं है अपने को, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी आदत नहीं है, हम लोगों ने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, और अगर कहीं बोला, आपको बताया कि हम ये काम करने वाले हैं, तो वो काम पूरा करके हम छोड़ते हैं, हमने कभी वोटों के पीछे नहीं किया। आप 4.5 महीने बाकी बच रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद से जो जागे, हमको लग रहा है कि भैया जनता को फिर से अपने हाथ में वापस कैसे लिया जाए, तो रेवड़ी बच रही है। बताओ क्या चाहिए और वो ले जाओ, क्या चाहिए आपको बस इतना कह दो। अरे पेंशन चाहिए तो पेंशन ले जाओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल पेंशन क्यों नहीं दिए? क्यों हमको ये आता 8 ही महीने में, 4 महीने में पेंशन दिखा दिखा के हम लोगों को बताना चाह रहे हो आप? अगर वाकई में देना था तो 4.5 साल हमको सबको दे दी तो सब लोगों को पेंशन मिल जाता, लोगों में कितनी खुशहाली फैल जाती। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि कल अब, क्योंकि यहाँ अपने मोटर यूनियन भी होंगे काफी, ट्रक और बसों के यूनियन भी होंगे, मैंने सुना कि जो 9 टन की लोड लेके चलना था और उसके ऊपर जो भी लोड मिलता था उसकी पेनल्टी लगती थी, वो सब पेनल्टी हुई। मैंने आपसे खाली बोलो और आपका काम वो हो जाएगा। ये 4 महीने का खेल है और हम लोग सब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो हमको 5 साल काम दे, हमको नहीं चाहिए जो 4 महीने में आके और सब पूरे राजस्थान के खजाने को लूट के डाल दे और कह दे कि ठीक है भैया कुछ भी कर लो, बस हमें वोट दे दो, ये लो खजाना, ये राजस्थान का खजाना, ले जाओ जो तुमको ले जाना। हमें चाहिए व्यवस्था, हमें चाहिए इज्जत, हमें कोई नहीं कहेगा अरे मुसलमान हमारे जेब के वोट है, SC ST होता हमारे जेब के वोट है, कोई भी किसी के जेब का वोट नहीं है। सर वोट जो जाते हैं वो अपने विकास के ऊपर, अपने घर का सोच के, अपने परिवार का सोच के, अपने प्रदेश का सोच के और अपनी इज्जत और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, कोई किसी का जेब का वोट नहीं है। और राजस्थान के लोग स्वाभिमानी और इज्जतदार लोग हैं, वह ऐसे किसी के पैर में नहीं पड़ते। आज आप लोगों को मैं ये कहने आई हूं कि अपने पास समय बहुत कम बचा है, सब लोग निकल गए, आगे आगे बढ़ गए, अब हमारी सरकार यह बची हुई है, एक मौका हमारे हाथ में आया हुआ है। बताओ भाइयों तैयार हो क्या कि हम लोग उसको हाथ में लेंगे? याद रखना कि इनके हाथ में अभी भी कुछ है, पहले तो लुभाएंगे उसके बाद धमकाएंगे। जिस तरीके से गुलाब कटारिया जी को धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से मेरी पूरी फाइलों को संगार संगार के 4 साल निकाल दिए, आयोग माथुर का बना दिया, सब लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर पे पूरा भरोसा है। अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो ईश्वर को भरोसा, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर चलेंगे तो हमारा काम होगा। और ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, सब चीज बाहर निकल के आ जाएगी और सबके सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होएगा ही, तो कोई छुपा नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि आज के दिन में मैं किसी की तो बहू हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की संगन हूं, और मैं कहती हूं मेरे बेटे और होते ना तो मालूम नहीं कितने और को उसमें जोड़ लेती। राजस्थान को आगे ले जाने का काम यही है, प्यार से ही काम बनेगा, दुश्मनी से काम नहीं बन सकता। आज मैं आप लोगों को कहने आई हूं कि इस प्यार से अपन संबंधे और आगे चले, बिना डर के चले, तैयारी के साथ चले, ये सोच के चले कि हमें एक नया राजस्थान, एक ऐसा नया राजस्थान बनाना है जिसमें हमारी महिला सुरक्षित चले, जिसमें हमारे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो जाए अपने खेतों के अंदर तो उनको सही टाइम पे पानी, उनको सही टाइम पे बिजली, उनको सही टाइम पे खाद, उनको सही टाइम पे बीज, और जब वो फसल ले जाते हैं बाजार के अंदर तो उनको सही फसल का दाम मिले। आज मैं देख रही थी तो मैंने ये पता किया कि DAP का हमारे टाइम के अंदर क्या रेट था, तो 485 प्रति बैग हमारे समय में DAP था, आज कितना हो गया भाई? कितना? मेरे 1260 या कुछ है, कितना? 1300 रुपया। यूरिया हमारे टाइम में 280 रुपए प्रति बैग था, आज कितना हो गया?
5:30 तो ब्लैक में हो गया, 5:30 आ रहा है आज तो। ये बेचारा किसान आत्महत्या की कगार पे आके इसीलिए खड़ा हो गया क्योंकि राजस्थान के अंदर तो कोई धनी थोड़ी नहीं है, सब भगवान भरोसे पड़े हुए हैं। और मैं कहती हूँ कि ये स्थिति अब आगे नहीं चलेगी, ये नया राजस्थान बनेगा, उसमें हमारे किसान, उसमें व्यापारी, उसमें बड़े बुजुर्ग, उसमें माताएं बहने युवा, ये सब लोग मिलकर करेंगे और आप लोग इसको बदलेंगे। हम दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे आपके लिए, परंतु आपकी आवाज, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, इसको लेके चलेंगे। तो बोलो तैयार हो, हिम्मत है, मुट्ठी बंद करके रखना भैया, हाथ ओपन मत खोलना। ये हाथ जब खोल के रखते हो तो ये वो अत्याचारी हाथ है जिसने महिलाओं का तो मैंने बहुत मुश्किल कठिनाई दी है, जिसने गले घोटे हैं लोगों के, और जो आज के दिन भी आपके जेब काटे जा रहा है। राजस्थान के अंदर जो जोरदार भ्रष्टाचार हो रहा है, ये राजस्थान का भ्रष्टाचार काम कराने वाला हाथ है। इसलिए अपने को ये हाथ नहीं, अपने को दोनों मुट्ठी बंद करके हाँ कहना है कि हम तैयार हैं और आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान की तकदीर और अपनी खुद की तकदीर बनाने की तैयारी में बैठे हुए हैं और लड़ेंगे हम, उसकी तैयारी में भी हम हैं। और इसीलिए जोरदार नारा मेरे साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान। अरे नहीं जी, ऐसी आवाज निकलेगी तो क्या हो गया आपका, जय जय राजस्थान जोर से, जय जय राजस्थान। आज की सरपंच भाजपा के परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि वो हमारे साथ देके हमारा साथ चलेंगे। आज हम लोग दिल के साथ चल के इस राजस्थान को बनाने का काम करेंगे। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। जय जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको।